वेलकम अगेन आप तो जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन ऑफ सब स्पेसिस ठीक है उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज उसके रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है उन्हीं की वजह से हमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाता है ठीक है उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि नेट में आ चुका है इसी को हम यहाँ पर करते हैं ठीक है आपके पास यहां पर दो सब स्पेसिस गिवन है दो सब स्पेसिस गिवन है W1 वन एंड W2 और जो ये सब स्पेसिस है ये R4 के सब स्पेस इट मीन R4 आपके पास वेक्टर स्पेस है इसीलिए यहां पर इसने चार वेक्टर्स दिए हैं लेकिन इन पर जो यहां पर रेस्ट्रिक्शन है ये और ये आपको क्या फाइंड करना है यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 W2 डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो इसके लिए हमने कल पढ़ा है ये भी हमने कल डिस्कस किया है ये और ये आज हम डिस्कस करेंगे ताकि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसी तरह से क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है एग्जांपल्स करने से ही आपको कॉन्सेप्ट के मुतालिक डिटेल समझ में आ जाती है ठीक है देखिए इसका क्या होगा डायमेंशन इसका क्या होगा डायमेंशन ऐसे नहीं लिखना है कि इसका डायमेंशन फोर है माइनस थ्री फोर माइनस थ्री ऐसे नहीं लिखना है पहले आपको यहां पर लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन फाइंड करने हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन ठीक W1 वन की डायमेंशन निकालने के लिए हम वो वाला जो है इसको हम रो एक्लॉन फार्म में चेंज करेंगे और उसमें हम रैंक फाइंड करेंगे ठीक है देखिए फॉर दिस ए पार्ट हम इसको रो एक्लॉन फॉर्म में लिखेंगे यू वी डब्ल्यू है ना वन 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 एक्स तो यहां नहीं है तो जीरो जीरो टू फिर है W वो तो जीरो है फिर है वन टू जीरो टू और माइनस वन ओके अब आ जाइए यहां पर हमें क्या करना है हमें यहां पर तो जीरो ऑलरेडी है इसको हमें जीरो बनाना है ये वन है ये वन है ये वन है, 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 है ये जीरो है तो यहां पर आज दे ये तो ऑलरेडी जीरो है दिस इज टू दिस इज जीरो दिस इज इस वन इसको रो थ्री माइनस रो आ, टू टाइम रो वन है ना रो थ्री को अप्लाई करेंगे ठीक है, है? जीरो जीरो माइनस टू टू माइनस टू और माइनस वन ही आ जाएगा यहां पर ठीक है अब आ जाइए यहां पर इसको हम जीरो बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा वन 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 जीरो जीरो टू जीरो वन ये और ये जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो मतलब आर थ्री प्लस आर टू जीरो दिस इज जीरो दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो पर आ जाइए तो ये रहा आपका पिवोट ये रहा आपका पिवोट तो रैंक कितनी आ गई रैंक का मतलब है नंबर ऑफ लीनियरली इन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फार्म दीज आर नॉन जीरो रोज इट मीन रैंक इज टू इसको हम डिलीट कर सकते हैं इसको आप डिलीट कर सकते हैं कोई मसला नहीं इस पर भी हमने बात की है ठीक है तो इसका मतलब है, इसकी रैंक टू है तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन है वो टू है अगर आप रैंक के हिसाब से जाएंगे बिकॉज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वैक्टर्स होंगे वो दो होंगे अगर आप ऐसे जाएंगे जो मैंने कल आपको समझाया है कि यहां पर पिवोट है यहां पर पिवोट है इट मीनस जो डब्ल्यू और एक्स ये फ्री वेरिएबल्स है इनको हम कुछ भी ले सकते हैं इट मीन जो एक्स और y है U और सॉरी एंड आर रेस्ट्रिक्टेड इनको हम ऐसे नहीं ले सकते हाँ ये और ये फ्री वेरिएबल है कौन कौन डब्ल्यू और एक्स फ्री वेरिएबल है और यू और वी जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है तो इट मीन टू चाहे आप रैंक के हिसाब से जाएंगे या ऐसे जाएंगे दो ही रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे डियर फोर जो डायमेंशन होगा डब्ल्यू वन का इसकी रैंक क्या हो गई रैंक ऑफ दिस वेक्टर स्पेस और ऐसे रैंक जो हो गई रैंक इसको आप ए ए ले सकते हैं ठीक है आप मैट्रिक उसको ए बना सकते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू और ऐसे लिख सकते हैं कि W और X फ्री वेरिएबल है इस पर भी हमने कल बात की है देयरफॉर W ऑफ एफ डायमेंशन फोर माइनस टू इज इक्वल टू तो यहां क्या जाएगा आंसर टू तो हो गया एक क्वेश्चन ठीक है अब आ जाइए आगे इसको आप ऐसे ही रखिए फिलहाल क्यों ये मुझे यहां पर काम आ जाएगा इंटरसेक्शन में मुझे दोनों लेने इसलिए आप इसको यहां पर रखिए अब आ जाएंगे बी पार्ट पे डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू तो क्या जाएगा यहां पर ले लीजिए ये ये आ, यू वन जीरो वन वन ओके फिर वन जीरो वन माइनस टू ठीक है जीरो वन जीरो माइनस वन किसी जल्दबाजी के बगैर आपको मैट्रिक्स बनानी है क्योंकि अगर यहां पर गलती हो गई ना फिर वापस आ जाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए पहले ही सोच समझ के लीजिए वन माइनस वन जीरो इसको हमें जीरो बनाना है तो रो टू माइनस रो वन जीरो वन माइनस वन जीरो माइनस टू माइनस वन हो गया माइनस थ्री यही है ना यहां पर आ जाइए ये तो जीरो है ही ऑलरेडी दिस इज वन दिस इज जीरो दिस इज माइनस वन ठीक है तो अब आप मुझे बताइए क्या मैंने ये सही लिखा है जीरो लेट मी चेक कि मैंने ठीक लिखा है ये क्वेश्चन हाँ ठीक लिखा है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं आप देखिए यहां पर पिवोट है यहां इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं इसको मैं यहां ले आऊं उसको मैं यहां ले आऊं ठीक है देखिए ये हो गया वन जीरो वन वन ठीक है या ऐसे में कर सकता हूं दिस प्लस दिस ताकि यहां पर पिवोट आ जाए जीरो है ना वन या ऐसे कीजिए यह, इसको यहां पर ले आइए इसको यहां पर ले आइए जीरो माइनस वन ताकि ये यह यहां पर ये यह पिवोट आ जाए ठीक है फिर होगा जीरो 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 माइनस थ्री अब आप मुझे बताइए इसकी रैंक क्या है दिस इज पिवोट दिस इज पिवोट और यहां पर भी नॉन जीरो इसको आप यहां पर ले आ सकते हैं इसको यहां पर ले आइए ये यह यहां पर आ जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है तो दिस इज पिवोट तो इसकी रैंक क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं थ्री रैंक हो गई कितनी और ऐसे कह सकते हैं कि जो यहां पर रेस्ट्रिक्शन है वो थ्री है बिकॉज एक ही वेरिएबल फ्री है एक ही वेरिएबल फ्री है इसमें पिवोट नहीं है और इसको आप यहां पर ले आ जाइए इसमें पिवोट नहीं है ठीक है तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए देर जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा डायमेंशन होगा डब्ल्यू टू का फोर माइनस थ्री हो गया वहां आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अब आप इसको ऐसे ही रखिए और इसको मिटाइए हो गया ये क्वेश्चन भी क्यों आप देखिए यहां पर कि मैं इनको और इनको ऐसे क्यों रखता हूं बिकॉज आई हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू आप जानते हैं कि डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज ऑल्सो ए सब स्पेस इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज ऑल्सो ए सब स्पेस तो इसमें क्या आ जाएगा इसमें इंटरसेक्शन जो है इसमें एंड आता है इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इसमें है और जो इसमें है कॉमन तो इट मीन इसमें ये भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे ये भी इक्वेशन आ जाएंगे फिर उनकी मुझे रैंक निकालनी है ठीक है तो जो देखिए डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इसका क्या मतलब है इसमें तो आ जाएगा इट विल बी लाइक दिस ये आ जाएगा ऐसे U V W X बिलोंग्स टू आर फोर और आ जाएंगे ये तीन इक्वेशंस और ये तीन इक्वेशन छह इक्वेशन आ जाएंगे साइज डेट यहां पर आप इक्वेशन लिखेंगे इसको मैं नहीं मिटाऊंगा ठीक है बिकॉज आई नीड दिस ठीक है बिकॉज आई नीड दिस ओके तो इसमें छह इक्वेशन आ जाएंगे फिर उनकी मुझे रैंक निकालनी है ठीक है तो आ जाइए हम करते हैं यहां पर वो तो आसान है आप सिर्फ यहां पर हाँ इसको मैं अब मिटा सकता हूं ठीक है हाँ इसको मैं, इसको अब मैं मिटा सकता हूं क्योंकि अब मुझे मैंने इसकी भी रो एक्न फार्म बनाई है इसकी भी रो एक्न फार्म बनाई है तो मैं यहां पर उनको सीधे ही लिख सकता हूं ठीक है अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा ठीक है देखिए कैसे करेंगे देखिए यहां पर आ जाइए कंफ्यूजन नहीं होना डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इसमें क्या आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स है ना सच दैट ये सारे इक्वेशंस प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो फिर सेकंड इक्वेशन फिर थर्ड इक्वेशन और ये भी बिकॉज इसमें एंड है सारे इक्वेशन आ जाएंगे अब मुझे इनकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन फाइंड करनी है उनको मैं कैसे करूंगा मुझे मैट्रिक्स बनानी है रो एक्लॉन फॉर्म में तो मैंने तो ऑलरेडी इसकी भी बनाई है और इसकी भी बनाई है अब मुझे इनकी रैक निकालनी है ठीक है यहां पर आ जाइए अब ना अब मुझे इन इन में से लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन फाइन करनी है उनको मैं कैसे फाइन करूंगा रो एक्लॉन फार्म की वजह से तो मैंने तो इसकी बना चुकी है पहले कि ये भी बनाया हुआ रो एक्लॉन फार्म यहां ये मिला ये और इसकी भी बनाई है रो एक्लॉन फार्म में वो वो होगी ये तो इन्हीं की अब मैट्रिक बनाइए जीरो टू जीरो वन अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो एक और तरीका लेकिन वो तो फिर आपको पहले से ही करना है अगर फिर तो आपको ये सारी जो इक्वेशन है उन्हीं की आपको रो एक्लोन फार्म यहां पर बनानी है वो आप फिर यहां पर ही पहुंचेंगे इसलिए इनको आप मौजूद रखिए साइड में फिर डायरेक्ट आप यही लिखिए और ये लिखिए वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस थ्री अब आप इनको मिटा सकते हैं ये मुझे यहां पर थोड़ी सी जरूरत थी इसलिए मैंने ऐसे ही रखा था तो क्या आ जाएगा ये तो सही है वन वन जीरो जीरो ये भी सही है वन माइनस वन रो थ्री माइनस कीजिए आप रो वन वन माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो तो सही है फिलहाल इसको भी आप कुछ मत कीजिए ये तो ऑलरेडी सही है अब आप इसको मिटाइए वहां पर आ जाइए देखिए वन 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 जीरो अब आप यहां पर आ जाए जीरो यहां पर मैं जीरो लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा आप कीजिए अप्लाई रो थ्री को आप अप्लाई कीजिए रो थ्री है ना रो थ्री टू टाइम रो थ्री कीजिए प्लस रो टू यही है ना और कीजिए फिर यहां पर भी जीरो लाना है आर फोर को आप अप्लाई कीजिए आर फोर प्लस आर थ्री ताकि जीरो मिल जाए ये भी आ जाएगा फिर जीरो टू टाइम्स है ना जीरो ये तो ऑलरेडी जीरो है और वन टू प्लस वन हो गया थ्री इसको और इसको जीरो जीरो हो गया जीरो 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 जीरो, जीरो। इसको आप डिलीट ही कर सकते हैं कोई मसला नहीं है फिर रह गया ये जीरो 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 माइनस थ्री तो अब क्या करेंगे देखिए आप क्या करेंगे अब तो कुछ नहीं रहा ये अब तो आसान है वन 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 जीरो जीरो टू जीरो वन जीरो 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 थ्री यहां पर आप कीजिए आर फोर प्लस आर थ्री वो हो गया जीरो तो कितने पिवोट है एक दो तीन रैंक क्या हो गई रैंक हो गई थ्री या फ्री वेरिएबल हो गया एक इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन हो गए थ्री दियर फोर डायमेंशन जो होगा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का वो हो गया फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन लेट मी चेक आपको दिखता है यस माइनस थ्री हो गया वन ओके डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू हो गया फोर माइनस रैंक और फोर माइनस इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन ओके okay, हो गए सारे पार्ट्स अब एक पार्ट रह गया W1 वन प्लस डब्ल्यू टू समेसिस वो भी तो सब स्पेस है उसकी तो एक फार्मूला है यहां पर लिखिए डायमेंशन ऑफ W1 वन प्लस डब्ल्यू टू हो गया ये पहले आप निकालिए डायमेंशन ऑफ W1 फिर आप निकालिए डायमेंशन ऑफ W2 फिर आप निकालिए W1 इंटरसेक्शन W2 इसका शायद क्या आया था अभी डायमेंशन ऑफ इसका आया था टू इसका आया था वन इसका शायद आया था वन इंटरसेक्शन का भी आया था वन दिस और दिस कैंसल ये भी हो गया ठीक है आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए और इस पर भी हमने बहुत अच्छी तरह बहस की है तो आ, आप एक बात ख्याल रखिए जब इंटरसेक्शन आ जाएगा उसमें आपको जो भी आपको W1 और जो भी आपको W2 दिया गया होगा उसकी सारी जो इक्वेशन है उनको आप एक साथ लिखें ठीक है अगर आपने W1 की रो एक्लोन फॉर्म पहले ही बनाई हुई है उसको आप साइड में रखें अगर आपने W2 की भी आपने निकाली होगी उसको भी आप साइड में रखें फिर आप उन्हीं की रो एक्लॉन फॉर्म में लिखिए ताकि आपकी जो है वो आसान होगी अदरवाइज आपको पहले से ही स्टार्ट करना है ठीक है वो तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा आ जाइए एक और क्वेश्चन पे अब हम मैट्रिसेस पे आ जाएंगे अगर आपके पास W एक सब स्पेस है A बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एम है ना और R सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A दिस इज ए सब स्पेस आई हैव ऑलरेडी शोन दैट दिस इज अ सब स्पेस है ना सम ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अगर आप वहां से कोई स्केलर लेंगे यहां से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे अल्फा इंटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स तो दिस इज अ सब स्पेस इसका डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन डब्ल्यू मतलब आपको क्या निकालना है डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे क्वेश्चन होगा डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए क्या होगा वो क्या होगा वो होगा तो यहां पर जो वेक्टर स्पेस है वो है एम एन क्रॉस एन इसका तो ऑलरेडी आपको पता है इसका डायमेंशन क्या होता है एन स्क्वायर, है ना जो बेसिस होते हैं उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं वन जीरो जीरो वन जीरो वन अगर टू क्रॉस टू होगा एन स्क्वेर माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन ये है ना देखिए यहां पर इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से समझिएगा देखिए अगर आपके पास टू क्रास टू मैट्रिक सिमेट्रिक है सपोज आई विल टेक एम टू क्रास टू मतलब वी और ए जो है ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है डब्ल्यूट ओके okay? इसका आप मुझे डायमेंशन बताइए टू क्रस टू मुझे लेना है देखिए इसका मतलब क्या है सिमिट्रिक मैट्रिक्स में तो आप जानते हैं दिस इज डायगनल ये तो फ्री है मैं इसको कुछ भी ले सकता हूं यहां पर भी फ्री है मैं इसको कुछ भी ले सकता हूं बात को समझिए अगर मैं यहां पर थ्री लूंगा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल होती है वो रियल एंट्री वो मैं कुछ भी ले सकता हूं मतलब वो तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ये भी मैं कुछ भी ले सकता हूं लेकिन अब ये रहा दिस इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ये और ये सेम होना चाहिए इट मीन देयर इज ओनली वन रेस्ट्रिक्शन ये मैं कुछ भी ले सकता हूं ये मैं कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन ये भी मैं कुछ भी ले सकता हूं लेकिन यहां पर यह रेस्ट्रिक्शन है तो एक रेस्ट्रिक्शन आ गई अगर आपको इसका डायमेंशन आपको यहां पर निकालना होगा वो होगा फोर माइनस वन इज इक्वल अगर आपको थ्री क्रॉस यहां पर निकालना होगा देखिए वन दिस इज ये तो कुछ भी मैं ले सकता हूं यहां पर मैं कुछ भी ले सकता हूं यहां पर भी कुछ भी यहां पर भी लेकिन अब ये फोर रेस्ट्रिक्टेड है ये फाइव रेस्ट्रिक्टेड है ये सिक्स रेस्ट्रिक्टेड है इनको मुझे यही लेना है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा क्या नाइन टोटल माइनस यहां पर रेस्ट्रिक्टेड ये है है ना एक दो तीन रेस्ट्रिक्टेड है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा सिक्स लेकिन अब आ जाइए आप यहां पर एन क्रॉस एन में आप क्या करेंगे असल में ये रूल क्या है देखिए आपको रेस्ट्रिक्शन फाइंड करनी है ठीक है यहां पर आर रेस्ट्रिक्शन इनको मैं कैसे फाइंड करूंगा इनको मैं कैसे फाइंड करूंगा इनको मैं ऐसे फाइंड करूंगा कि मैं यहां पर टोटल कितने हैं? थ्री स्वेर है ना थ्री इन थ्री टोटल यहां पर होंगे आप देखिए यहां पर अगर मैं एन क्रॉस एन लूंगा टोटल ए वन सपोज ए टू सोन अप टू तो एन यहां पर बी वन आप देखिए यहां पर ये भी थ्री है और ये एलिमेंट भी थ्री है।, है ना यहां पर आ जाइए बी वन बी टू सपोज दीज आर एन है ना आप देखिए यहां पर आ जाइए यहां पर थ्री है तो यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे ये भी कितने होंगे ये भी एन होंगे ये भी एन होंगे अगर आप फोर क्रॉस खोलेंगे, देखिए आपको मैं समझाऊंगा यहां पर फोर क्रॉस फोर पर आ जाइए सपोज वन टू थ्री फोर है ना देखिए यहां पर मैं सिक्स लूंगा यहां पर फाइव यहां पर थ्री यहां पर टू यहा यहां पर सपोज सेवन अब आ जाइए यहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड है है ना ये भी रेस्ट्रिक्टेड है है ना ए फाइव यहां पर आ जाएगा दिस इज टू रेस्ट्रिक्टेड दिस थ्री रेस्ट्रिक्टेड और सेवन भी रेस्ट्रिक्टेड है है थ्री भी रेस्ट्रिक्टेड है अब आप यहां पर देखिए इसमें कितने रेस्ट्रिक्शन यू कैन सी आर आर रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड तो इनको मैं यहां पर कैसे लिखूं टोटल कितने हैं एम स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर हम एन स्क्वायर पे आ जाएंगे एम स्क्वायर टोटल है है ना ये होंगे कितने एन जहां पर है ना ये फोर है ये थ्री है ये टू है एन स्क्वायर माइनस एन वहां क्या रह गए वहां रह गए ये और ये लेकिन यहां पर इतना ही रेस्ट्रिक्टेड है इतना ही रेस्ट्रिक्टेड है इतना ही रेस्ट्रिक्टेड मतलब लेकिन अगर मैं यही लूंगा रेस्ट्रिक्शन है ना टोटल एन स्क्वायर है माइनस मैंने ये किए डायगोनल्स लेकिन यहां पर मुझे मिला ये और ये लेकिन चाहिए क्या मुझे सिर्फ ये तो इसको मैं हाफ करूंगा बिकॉज एंट्रीज आर इक्वल टू दीज एंट्रीज है ना मतलब आपको रेस्ट्रिक्शन फाइंड करनी है सिंपली यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है या ये है बिकॉज अगर मैं पहले इनको फिक्स करूंगा फिर मुझे इनको ऐसे ही लिखना है तो टोटल जो एंट्रीज है वो एन स्क्वायर है माइनस मैंने ये किए लेकिन यहां पर मुझे मिल गए ये और ये है ना तो लेकिन चाहिए मुझे सिर्फ इतना ही क्यों बिकॉज दीज आर रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज दीज आर रेस्ट्रिक्टेड इसलिए मैंने यहां पर इसको टू डिवाइड किया तो जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन है वो है एन स्क्वेयर माइनस एन बाई टू तो यहां पर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन माइनस एन बाई टू इसको आप यहां पर माइनस कीजिए तो अब आप देखिए क्या होगा टू, टू ये क्या हो गया टू एन स्क्तर माइनस एन स्क्र एन स्क्र प्लस एन डिवाइडेड बाई टू एन इंटू एन प्लस तो अगर आपको अब एन क्या है ऑर्डर अब अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना होगा ए बिलोंग्स टू एम थ्री क्रॉस थ्री ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू तो क्या जाएगा आंसर इसका डायमेंशन जो होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन थ्री इंटू थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आप बिल्कुल देखना यहां पर वही आ गया सिक्स अभी हमें भी यही आया नाइन माइनस थ्री है ना अगर आपको टू क्रास टू का निकालना होगा एन इंटू एन प्लस वन टू इंटू टू प्लस वन डिवाइड बाई टू है ना टू इंटू टू प्लस वन वो भी आ गया कितना थ्री आ गया ना बिकॉज एक ही रेस्ट्रिक्शन थी तो थ्री आ गया था ठीक है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इट मीन डायमेंशन ऑफ सिमिट्रिक मैट्रीज इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो गई है तो मैं इससे भी आपको आसानी से समझा सकता हूं देखिए कैसे इसको भी आप जहन में रखिए ये तो आ गए आपको समझ में देखिए कैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं ठीक है जब हम इसका डायमेंशन है ना जो हम यहां पर कैसे निकालते एम स्क्र माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन मतलब आपको एम स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करना है कितने रेस्ट्रिक्शन है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपके पास कितनी चॉइसेस है आपके पास कितनी फ्रीडम है है ना इट मीनस इट मीनस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर ये भी नहीं आया समझ में आप आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस यू हैव आपके पास कितने चॉइसेस है आपके पास कितने चॉइस क्यों बिकॉज यहां पर हम इनका यूज करते हैं एन स्क्वायर टोटल माइनस रेस्ट्रिक्शन तो इसका मतलब है वहां पर क्या रह गया वहां पर रह गया है कि आपके पास कितनी चॉइस है जहां पर आप आजाद है जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इस ऐसे कीजिए सपोज वन टू थ्री देखिए यहां पर फोर यहां पर फाइव यहां पर सिक्स यहां पर भी फोर है यहां पर भी सिक्स है यहां पर फाइव पर थ्री है देखिए आपके पास कौन सी चॉइस है ये है तो आपके पास यहां पर आप फ्री है हो गई थ्री इज इट राइट यह भी आपके पास फ्री है आप कुछ भी कुछ भी ले सकते हैं हो गया टू ये भी आपके पास फ्री है हो गया सिक्स ए बी बी तो सिक्स आया था ना सिक्स तो इसका मतलब है डायमेंशन क्या हो गया ये इस ये एक्चुअल में ऐसे है इसका मतलब ये हो गया और ये कितनी चॉइसेस है आपके पास जहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं जहां पर आप आजाद है है ना सिक्स अगर ये यहां पर आ जाइए सपोज वन टू थ्री लेकिन यहां पर भी थ्री होना चाहिए तो इसका जो डायमेंशन होगा वन टू इसका जो डायमेंशन होगा ना डायमेंशन वो होगा ये आपके पास थ्री है तो टू प्लस एक और एंट्री हो गई थ्री अभी भी तो थ्री आया था ना एन स्क्वायर फोर माइनस वन हो गया थ्री आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए अगर आपको एन क्रॉस एन का निकालना होगा देखिए कैसे आप निकालेंगे एन क्रॉस एन का निकालिए देखिए कैसे निकालेंगे देखिए ए वन वन ए वन टू सॉन अप ए वन एन फिलहाल तो इसका जो डायमेंशन होगा ना आपके पास कितनी चॉइसेस है ये तो चॉइस फुल है आपके पास इसमें कितने होते हैं डायगनल पे एन ये भी आपके पास चॉइस है तो यहां पर रह जाएंगे एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस सो ऑन टू एंड में यहां पर वन रह जाएगा बिकॉज दीज आर रेस्ट्रिक्टेड मैंने ऐसे के एन स्क्र रेस्ट्रिक्टेड वहां पर रह गए आपके पास कितनी चॉइसेस है तो इसका क्या आंसर है, तो है. कीजिए लेकिन अगर आपको फाइंड करना होगा कितनी रेस्ट्रिक्शन है उस पर भी मैंने आपको समझाया है एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एन स्क्र टोटल है माइनस डिवाइडेड बाई टू बिकॉज एक ही साइड चाहिए मुझे दीज आर रेस्ट्रिक्शन ठीक है तो यहां पर मैं रुकता हूं कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कल हम पढ़ेंगे सिमिट्रिक सिक्यू सिमिट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन सिकेलर का डायमेंशन तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो मिलते हैं कल तब तक अल्लाह हाफिज